क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि ये क्या है, अगेन डाइडियोक्सी मेथड सेंगर मेथड की सीक्वेंसिंग है। क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, ठीक है 5 और 3। क्या पूछा है, द सीक्वेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस किया जा रहा है तो क्या होना चाहिए, 5 प्राइम। देखिएगा 5 प्राइम में क्या जाएगा, जी, जी के बाद टी, टी के बाद सी, सी फिर सी, सी के बाद क्या आ रहा है, सी, सी के बाद आ रहा है टी, सी, सी के बाद आ रहा है टी, फिर आ रहा है जी, फिर आ रहा है टी, फिर आ रहा है ए, फिर आ रहा है सी, फिर आ रहा है ए, ठीक है। सो इस हिसाब से तब देखोगे तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम था। एक कोई कहीं पे मैच कर रहा है, ये कहीं पे भी मैच कर रहा है, नहीं मैच करेगा आपको कहीं पे, ठीक है कहीं पे भी मैच कर रहा है किसी ऑप्शन में, 5 प्राइम टू GTC, ठीक है दैट इज व्हाट द GTC CTG TACA, क्या बात है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इन्होंने 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखा है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, समझ में आया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डर पे दिया कि आप खुद से सोचो कि इसमें चेक क्या करना था, आपको बस चेक ये करना था कि नीचे 5 प्राइम होता है ऊपर 3 प्राइम होता है, ये वही बस कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहे थे कि जब भी सैंग आप मेथड करते हो बिल्कुल सही जवाब है बी होगा। कभी भी आप जब लर्न करते हो तो हमेशा याद रखना कि नीचे के साइड हमेशा 5 प्राइम होगा और ऊपर के साइड हमेशा 3 प्राइम होगा, ठीक है। सुनाओ, इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को मेंशन करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज व्हाट आप देखने की कोशिश करिएगा, क्या होता है जी यहाँ पे कोशिश करेंगे, दैट इज द CGAT क्या क्या होगा, EcoR1, EcoR5, the which of the restriction enzyme given cut the following DNA sequence, कौन कट कर सकता है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे, क्या वो साइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपको ये देखना पड़ेगा, सीधा सीधा आपको ये मैच कराना पड़ेगा कि कौन कौन सा मैच हो रहा है, कौन कौन सा नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। पी की बात करते हैं, ये शायद CCTAGGG कहीं पे मिल रहा है, CTAGG कहीं पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या CTC मिल रहा है, CTC कहीं पे मिल रहा है, ये पार्ट कहीं पे मिल रहा है, यस CTC यहाँ पे मिल रहा है, यहां से कट हो सकता है, दैट इज व्हाट GAGCTC, ये पार्ट मिल गया, मिल गया इसमें, ये तो मिल गया, ये वाला नहीं मिला, तो आप पी तो नहीं होगा, पी नहीं होगा कहीं पे, पी नहीं हो रहा है, क्यू मिल गया, क्यू मिल गया, अब पी नहीं होगा तो सीधा सीधा यही तो ऑप्शन आ रहा है, आर भी नहीं होगा, CTTAAG, टी कहीं पे है ही नहीं, ए कहीं पे है ही नहीं, ये तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों होंगे नहीं, सीधे सीधे क्यू एन एस आ जाएगा, क्लियर है जी। CTATAG आपका यहां पे है, देखिएगा CTATAG, ठीक है। सो आप यहां से इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, ये सिर्फ आंखों का टेस्ट है और कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो आंसर आना चाहिए यहां पे आना चाहिए सी, आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हालांकि ये क्वेश्चन RDT का नहीं है, एनालिटिकल टेक्निक्स का है, आइसोलेटिक पॉइंट 6 दिया हुआ है एक पर्टिकुलर प्रोटीन का, एंड द बेस्ट ऑर्डर टू प्यूरिफिकेशन मेथड्स, अगर 6 दिया हुआ है तो बेस्ट क्या हो जाएगा, हाँ जी होगा, अगर pH हम बढ़ाएंगे तो उस पे कैसा चार्ज आएगा, आप खुद देख सकते हो कि इसमें, ठीक है, when you can see here in this question, अगर मैं बात करूं, एक प्रोटीन दिया हुआ है उसको प्यूरिफाई करना है, सो यू नो दैट द pI वैल्यू, द pI वैल्यू इज द 6 हियर, एंड when द pH इज लेस देन pI, द चार्ज विल बी व्हाट, द चार्ज विल बी पॉजिटिव, एंड when द pH इज ग्रेटर देन pI, द चार्ज विल बी व्हाट, चार्ज विल बी negative, when this is negative it must be anion exchange chromatography, क्या होना चाहिए, anion exchange chromatography, when this is positive this would be cation exchange chromatography, समझ में आ रहा है, ठीक है। so cation exchange anion exchange, तो pH ज्यादा रख रहे हैं तो cation exchange होना चाहिए, आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, बस यही देखना था और कुछ करना नहीं था आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस, ये क्वेश्चन पूछा गया, लीनियर डीएनए है, आपको भाषण दिया हुआ है ऊपर, फिर पूछा हुआ है क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राम पे,
एक्सपेक्ट करेंगे ऑटो रेडियोग्राम पे, क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, PY2 ब्लंट होगा तो ओनली ऑन जेल, ये सिर्फ और सिर्फ जेल पे आएगा। ये जब इको R1 स्टिकी है तो स्टिकी कहाँ पे आता है जी, स्टिकी जो होता है वो ऑटो रेडियोग्राम में आता है। स्टिकी का साइट कितना है, एक एक फ्रेगमेंट ये जनरेट होगा, एक फ्रेगमेंट ये जनरेट होगा, 3 KB एंड 1 KB। आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है। सीधा सीधा आंसर था, बता दूं कि आंसर जो होगा फर्स्ट होगा। एक डीएनए सेगमेंट है जो यहाँ पे इस तरीके का पार्ट प्ले कर रहा है, PUV फर्स्ट एंड इको R1 फर्स्ट। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ इस तरीके से था, 2 KB 3 KB एंड 1 KB। आपको बता दूं कि ऑटो रेडियोग्राम हमेशा बताया हूं, बार बार बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है आप लोगों को, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है जो मैं बताता हूं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए कहता हूं ध्यान से सुना करो। ऑटो रेडियोग्राम में सिर्फ और सिर्फ स्टिकी इंडेड आते हैं, जबकि जेल में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्टिकी और ब्लंट दोनों आएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये स्टिकी इंडेड है, ये स्टिकी इंडेड है, एक ये फ्रेगमेंट लेबल्ड होगा और एक ये फ्रेगमेंट लेबल्ड होगा, यहां से लेबल्ड हो जाएगा। तो जब आप इसको जेल पे रन करोगे ऑटो रेडियोग्राम में, तो एक आपका 3 KB मिलेगा और एक आपका 1 KB मिलने वाला है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूं, क्यों इन टॉपिक्स को फोकस करके पढ़ाता हूँ, स्टिकी इंडेड ब्लंट इंडेड, समझ में आ रहा है कि भाषण पढ़ना इंपॉर्टेंट है या कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो समझ में आ रहा होगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द 12th पॉइंट, द टू प्यूरिफाइड डीएनए सैंपल्स ए एंड बी कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ द बेस पेयर्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग दीज डीएनए सैंपल्स हैज वन साइट ईच ऑफ इको R1 एंड बैम H1, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कंप्लीट डाइजेशन विद द बोथ एंजाइम्स यील्डेड 3 DNA बैंड्स एंड 2 बैंड्स रिस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज देयर, ठीक है जी। टू प्यूरिफाइड डीएनए इक्वल नंबर ऑफ बेस पेयर, ईच ऑफ द हैज वन साइट ऑफ इको R1 एंड बैम H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यील्डेड 3 DNA। अब आपको ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है जनाब, कि अभी कुछ देर पहले बताया था फॉर्मूला फॉर द सर्कुलर इट इज n, एंड फॉर द लीनियर इट इज n+1। एंड यहां पे a में 3 फ्रेगमेंट जनरेट हो रहे हैं, साइट कितनी है जी, साइट है 2, फ्रैगमेंट जनरेट है 3, तो ये क्या होगा, ये होगा लीनियर। एंड बी, बी जो है 2 फ्रैगमेंट जनरेट हो रहा है, साइट उतना कितना है, साइट है 2, दो साइट 2 फ्रैगमेंट, दैट इज द सर्कुलर। क्या इसमें क्या बताना है जी, आंसर जो आ जाएगा सीधा सीधा, ए मस्ट बी द लीनियर एंड बी मस्ट बी द सर्कुलर, आंसर विल बी बी, ए एंड बी आर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑल्सो। नाउ मूविंग टू द पार्ट, नेक्स्ट चलेंगे आगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलिए दिस क्वेश्चन, पीसीआर एम्पलीफिकेशन फ्रैगमेंट, पीसीआर एम्पलीफिकेशन फ्रैगमेंट के ऊपर बात करता हूं मैं। इसमें बताना है कि प्राइमर क्या होगा, करेक्ट प्राइमर पेयर। मैंने हमेशा बोला है जी, मैंने हमेशा आपसे एक चीज बोला है, क्या, कि 3 प्राइम से एक्सटेंड होगा, 3 प्राइम से एक्सटेंड होगा, तो एक प्राइमर यहां से बनेगा सी 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 सी, 3 प्राइम से एक्सटेंड होगा तो एक प्राइमर यहां बनेगा और एक बनेगा टी 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 टी। तो ये ही तो है आंसर, क्या है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना था, प्राइमर जो बनता है इसका आंसर होगा सी, एक्सटेंशन जो होता है हमेशा 5 प्राइम एंड पे होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये प्राइमर होता है, और यहाँ पे ये होता है पीसीआर और रिप्लिकेशन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बताया हूं इस चीज को। तो यहाँ पे अगर ए जुड़ा हुआ है, अगर ए है तो यहाँ पे टी आएगा, और यहाँ पे अगर जी जी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे सी 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 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं दिस, ठीक है। This is what, this one question. ये question अभी किया था 2006 का question था, जो question अभी किया था मैंने करवाया था 2006 का question, gate excel का था। अब मैं biotechnology के questions करा रहा हूं कुछ, ये सारे अभी तक हम जितने questions कर रहे थे सब gate excel के questions थे, अब gate biotechnology के कर रहा हूं,
एक क्वेश्चन शुरू में हमने दो क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के किए थे, अभी अब हम फिर से बायोटेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं। 2015 या 15 का पेपर है, 16 का पेपर है ये, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन आर शोन इन द दिस फॉर्म विद इन द सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट म्यूटेशन डू नॉट हैव द फ्रेम शिफ्ट। इंसर्शन और डिलीशन ही तो चेक करना है, इंसर्शन और डिलीशन ही तो चेक करना है, और करना क्या है, ठीक है। ये सारा पार्ट आप खुद देख रहे होंगे कि यहां तक क्या है, आप देखोगे कि ए ए टी ए टी जी जी ए सी, यहां तक सब में कॉमन है, यहां तक सब में कॉमन है। इसके बाद इसमें टी टी चल रहा था, दैट इज व्हाट आप देखोगे, ए टी जी ए सी जी, उसके बाद टी था, यहां पे एक आ गया, यहां पे जैसे ही ये इंसर्ट किया इन्होंने, सीधा सीधा देख रहा होगा कि ये इंसर्शन दिख रहा है, ये देखो ये इंसर्शन दिख रहा है, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे अब आपको मैच करना पड़ेगा कहां पे कि इंसर्शन है या क्या हुआ है। सी जी टी, टी के बाद जी सी है, जी सी टी टी, तो यहां पे क्या है, ये ट्रांसवर्जन हुआ है, ये क्या है, ए जहां पे चेंज किया, ये ट्रांसवर्जन हुआ है, क्योंकि टी को ए में चेंज कर दिया, दैट इज ट्रांसवर्जन। ये आपका नहीं पार्ट है, ठीक है, ये आपका जो पार्ट है दैट इज व्हाट, की ट्रांसवर्जन है तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। ये एक आंसर होगा, समझ में आ रहा है आंसर होगा। नाउ यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको बस चेक करना था कि सी जी जी सी, यहाँ पे क्या था, सी जी के बाद टी को ए में कर दिया, इस केस में आ रहा है ट्रांजिशन, इस केस में आ रहा है ट्रांजिशन। यहाँ पे देखोगे ए ए, यहाँ पे क्या है, देखिएगा ए ए, यहाँ पे ए की जगह टी कर दिया, फिर उसके बाद जी सी है, यहाँ पे भी ट्रांजिशन किया, यहाँ पे भी ट्रांजिशन किया। सी हियर, ये क्या है, सी सी, सी सी की वजह ए है, यहाँ पे बीच में से सी गायब कर दिया, जैसे सी गायब कर दिया दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी द फ्रेम शिफ्ट, वो क्या है, फ्रेम शिफ्ट है। यहां पे देखिएगा सी सी सी, उसके बाद ये क्यू एक इंसर्ट कर दिया इन्होंने, क्या इंसर्ट कर दिया, एक बेस को इंसर्ट कर दिया, दैट मींस कि इट इज आल्सो फ्रेम शिफ्ट। ये डिलीशन का केस है, इस केस में डिलीशन बन रहा है, थर्ड में, चौथ सेकंड में क्या बन रहा है, एडिशन बन रहा है, तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ये फ्रेम शिफ्ट होंगे। इन्होंने पूछा डू नॉट हैव, तो दूसरा और तीसरा जिसमें नहीं होगा वही आंसर होगा, दैट इज 1, 4, 5। इसमें क्या था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहले में जो था वो ट्रांजिशन का केस था, पहले में ट्रांजिशन, दूसरे में इंसर्शन, तीसरा में जो केस था वो था डिलीशन का, चौथे में जो केस था ट्रांजिशन का केस था, ये आपको देखना था बेसिस जहां पे चेंजेस हुए हैं, और पांचवे में जो केस था वो भी ट्रांजिशन का था। तो ये जो केस, ये दोनों इंसर्शन एंड डिलीशन, दैट इज द फ्रेम शिफ्ट, ये फ्रेम शिफ्ट कॉज करेंगे, बाकी जो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस, 2016 का ही क्वेश्चन है, नॉट 15। तो क्वेश्चन नंबर गेट बायोटेक्नोलॉजी 2016, बस कुछ करना नहीं है, इंसर्ट करना है, डाइजेस्ट करना है, बस देखना है कि इंसर्शन कैसा हुआ। द बैम एच वन एडजेसेंट टू ईच अदर बैकबोन, द वेक्टर कंसर्न दिस 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 रिजल्टेंट कॉम्बिनेट, ये क्या किया गया है, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, वेक्टर बैकबोन दिया है, दैट इज बैम एच वन इको आर वन एक्स एच ओ वन, ये 300 के बी है, बाकी जो दिया है 2.8 के बी, ये इंसर्ट 1.2 के बी है, ये 500 है तो ये 700 बेस पेयर होगा। डाइजेस्ट किससे किया जा रहा है, इको आर वन और एक्स एच ओ वन से। इको आर वन की कितनी साइट मिलने वाली है आपको, यहाँ पे एडजेसेंट टू ईच अदर है, और वेक्टर जो है एक्स एच ओ साइट, ये सारी चीजें हैं, अपस्ट्रीम टू द बैम एच वन साइट एंड इन द इंटरनल एक्स एच ओ साइट जीन सीक्वेंस। ओके, इन द एन इंटरनल एक्स एच ओ साइट इज, ओके, फाइंड द रिजल्टेंट फॉस्मेट इको आर वन, फाइन, इससे किया जा रहा है एक्स एच ओ वन। देखिएगा इस साइट को बनाने की कोशिश करता हूं, इसमें पूरा का पूरा पार्ट क्या है दिया हुआ है, वेक्टर के बारे में, दैट इज व्हाट, ये कुछ क्लोन दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर क्लोन में बात करेंगे तो यहां पे दिया हुआ है एक्स एच ओ वन, और यहां पे दिया हुआ है दैट इज द बैम एच वन वन, एंड इको आर वन भी दिया हुआ है। इसके बीच की जो साइट है वो 300 दिया हुआ है, बीच की साइट 300 दिया हुआ है, ठीक है, बीच की साइड जो दिया 300 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 2.8 किलो बेस पेयर का बैकबोन था, ठीक है। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा, बैकबोन 2.8 किलो बेस पेयर, 2.8 बेस पेयर का था।
नाउ सी, एक इंसर्ट था जिसका साइज ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर में दिया हुआ था कि बैम एच वन ये है, बैम एच वन, उसमें फिर एक्स एच वन है एंड इको आर वन है, ये है 500 और ये 700, इसको लाइगेट करना था। कहां पे लाइगेट करना है जी? इसको जब लाइगेट करना होता है तो आपको करना है इको आर वन या बैम एच वन, यहां पे लाइगेट करना है, ठीक है? तो लाइगेट करिए, जब आप इसको लाइगेट करोगे तो ये कुछ इस तरीके का पार्ट आएगा। कैसा? एक एक्स एच ओ वन आएगा, एक्स एच ओ वन, और यहां से फिर शुरू हो जाएगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट जब शुरू होगा तो यहाँ पे बीच में एक एक्स एच ओ वन आएगा, और उसके एक्स एच ओ वन के बाद यहाँ पे आएगा इको आर वन, इको आर वन। नाउ अब इन सबके बीच में जो है वो है 700 बेस पेयर, ये 700, ये है 500, ये है 300, और टोटल बैकबोन जो है, टोटल बैकबोन यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज व्हाट वेक्टर बैकबोन है, 2.5 होगा। टोटल 2.8 के भी है तो ये 2.5 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, डाइजेस्ट करोगे, तो एक आएगा 2.5 का, एक आएगा 2.5 का, दूसरा आएगा दैट इज 300 प्लस 500 आएगा, और एक आएगा 700 का। तो एक आएगा 2.5 KB प्लस 700 बेस पेयर प्लस 800 बेस पेयर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को।